अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि मेन साइंस क्या क्या होते हैं आपको, जिससे पता चलेगा कि अब आपकी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जा रही है या उसमें टाइटनिंग और लिफ्टिंग या फिर कॉलेजन इलास्टिन कम हो रही है। इसमें जो मेन साइंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो ओपन पोर्स होते हैं। आप इसी तरह से समझें कि जिस वक्त ऐसे करके कोई चीज़ जो है वो टाइट पड़ी हुई है तो आपको ओपन पोर्स कम नज़र आएंगे, जिस वक्त वो लूज़ होगी तो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। और एज जो होती है या एजड स्किन जो होती है, एज या नंबर्स की बात नहीं हो रही, जो एजड स्किन होती है वो सिर्फ खाली फेस से नहीं, वो नेक से भी पकड़ी जाती है और हाथों से भी पकड़ी जाती है, ठीक है। तो ये भी उसी का पार्ट होता है, क्योंकि पूरी स्किन में ही जब कॉलेजन इलास्टिन कम बनेगा तो आपको ओवरऑल आपकी स्किन जो है उसके टेक्स्चर में डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ओपन पोर्स इसका एक बहुत बड़ा साइन होता है, उसके अलावा एज स्पॉट्स या फिर सन स्पॉट्स भी कहते हैं, लेकिन एज रिलेटेड जो होते हैं और सन रिलेटेड जो होते हैं वो किसी भी एज में हो सकते हैं, इसलिए एज स्पॉट्स जो है वो इनको कहा जाता है। इसके अलावा अनइवन टोन भी हो सकती है, इसके साथ साथ जो है वो सैगी स्किन यानी कि लटकी हुई या फिर लूज स्किन जो है वो आपको फील हो सकती है, और उसके साथ साथ रिंकल्स यानी कि एक तो फाइन लाइन्स होते हैं, फाइन लाइन्स जो हैं वो बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी सी लाइन्स जो हैं वो आपको पूरी जगह पे कहीं पे भी नज़र आ सकती हैं, इवन नेक पे भी नज़र आती हैं, आपको डिकॉल्टे पे भी नज़र आ सकती हैं, ठीक है। और जो रिंकल्स होते हैं वो ख़ास जगहों के ऊपर आपको नज़र आते हैं। रिंकल जो होता है वो एट रेस्ट होता है यानी कि विदाउट एनी मूवमेंट भी आपको नज़र आ रहा होगा, और जो फाइन लाइन्स होती हैं वो तो हर वक्त ही रह रही होती हैं और वो बस होती हैं, और कुछ फाइन लाइन्स जो हैं वो आपको मूवमेंट पे पड़ती हैं, जैसे आप हंस रहे हैं ज़ोर से तो आपकी साइड्स के ऊपर आ जाएंगी, आप गुस्सा कर रहे हैं तो दरमियान में आ जाएंगी, इस तरह से करके। तो इन सब में फ़र्क होता है, लेकिन जो मैंने आपको 5 साइंस बताए हैं एजिंग स्किन के, वो सारे के सारे जो हैं वो सेम ही रहते हैं, किसी में कोई पहले आ जाएगा, किसी में कोई बाद में आ जाएगा, और ऐसा भी होगा कि किसी के अंदर 2-3 जो हैं वो एट अ टाइम साइंस जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे, और उस आपको अलर्ट होने की ज़रूरत होती है कि अब मुझे लगता है कि मेरी स्किन का टेक्स्चर जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। इसमें एक बहुत बड़ा साइन जो है वो ड्राई एंड इची स्किन भी होता है। ड्राई एंड इची स्किन क्यों होती है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्किन जो है वो पुअर होती जाती है, वो कम होती जाती है। जिस वक्त वो कम होती जाती है तो आपकी स्किन जो है वो आपको बहुत डिहाइड्रेटेड, विदर्ड और मुरझाई हुई, और जैसे क्रिंकल शिफॉन का कपड़ा होता है उस तरह से उसके ऊपर फाइन लाइंस जो हैं वो आपको नज़र आ सकती हैं, ठीक है। तो ये तो बड़े इम्पॉर्टेंट जो हैं वो 5 साइंस थे जो कि आप बड़ी आसानी से नोट कर सकते हैं अपनी स्किन पे। ये भी हो सकता है कि आपके एक्सट्रीम ओपन पोर्स के पहले थे ही नहीं, उसके बाद बनना शुरू हो गए और अब आपको बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, या नंबर ज़्यादा होता जा रहा है, और ये भी लग सकता है आपको कि एरिया बड़ा होता जा रहा है। तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन माई स्किन। अच्छा, स्किन के बारे में ये होता है कि हर चीज़ तो हमें नहीं समझ में आ सकती, मतलब डॉक्टर को तो चलो समझ आ जाती, वो भी आप देख लें, जो जिस चीज़ का डॉक्टर होता है उसको उसके बारे में ज़्यादा पता होता है या वो उसके लिए एक्सपर्ट होता है। तो आम बंदे को ये समझना या ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी स्किन किस टाइप की है और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या चीज़ लगानी चाहिए और क्या नहीं लगानी चाहिए, यानी कि डूज एंड डोंट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किन टाइप आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा तो आप बहुत आसानी से अपनी स्किन को मैनेज कर सकेंगे, ठीक है जी।